हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत बेसिक कंसेप्ट जानेंगे स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन से रिलेटेड। और इससे पहले जो डेमो क्लासेस के अंदर हम लोग बात किया था स्विच गियर एंड प्रोटेक्शन के अंदर, यानी हम लोग सिलेबस देखा था, और दूसरे लेक्चर के अंदर हम लोग फॉल्ट क्लियरेंस प्रोसेस देखा था, जिसके अंदर सर्किट ब्रेकर और रिले से रिलेटेड कुछ बात हुआ था। तो अगर आप मान के चलिए दोनों लेक्चर आपको नहीं भी समझ में आए, आपने नहीं देखा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आज बहुत बेसिक कंसेप्ट हम लोग जानने वाले हैं, और आज ही से समझ लीजिए कि आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन स्टार्ट होने वाला है। तो आज से हम लोग बहुत कंटिन्यू और बहुत बेसिक चीज को हम लोग सामने रखकर इस क्लास को स्टार्ट करेंगे, और यहां से कंटिन्यू हम लोग आगे की तरफ चलेंगे। तो आइए समझते हैं स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंदर क्या क्या चीज हम लोग को रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले समझ लीजिए फंडामेंटल्स की बात करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट जो आपका है स्विच गियर प्रोटेक्शन के अंदर, उसको फंडामेंटल नाम दिया गया है, यानी इसके अंदर बहुत बेसिक चीज, बहुत फंडामेंटल चीज, बहुत आपका इजी कंसेप्ट जो होता है, वो सारी चीज इसके अंदर डिस्कस की जाएगी फर्स्ट यूनिट के अंदर स्विच गियर प्रोटेक्शन से रिलेटेड। तो सबसे पहला बेसिक चीज क्या है इसके अंदर, तो फर्स्ट हम लोग को जो फंडामेंटल या फर्स्ट थिंग है, उसके अंदर हम लोग जानेंगे नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, यानी प्रोटेक्टिव सिस्टम का पावर सिस्टम के अंदर क्या रोल है, क्या आवश्यकता है। यदि हमारे पास प्रोटेक्टिव सिस्टम नहीं होगा तो क्या होगा, और यदि है तो उससे क्या लाभ मिल रहा है, या उसकी आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला चीज यही हमको समझना है, फर्स्ट टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर, फर्स्ट यूनिट के अंदर जो टॉपिक है वो यही है कि हमारा नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम, यानी प्रोटेक्टिव सिस्टम की ये पावर सिस्टम के अंदर क्या आवश्यकता है। अगर प्रोटेक्टिव सिस्टम नहीं होगा तो हमारा सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उससे क्या नुकसान हो सकता है। तो आइए समझते हैं इसको हम लोग फर्स्ट चीज को, यानी नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम को। तो पहला पॉइंट लिखा गया है, एन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम कंसिस्ट जनरेटर, ट्रांसफार्मर, बस बार, ट्रांसमिशन लाइन, ETC। ये आपको पहले से भी मालूम होगा, यानी जो पावर सिस्टम है, इस पावर सिस्टम के अंदर आप तक अब तक जो पढ़ते आए हैं, यानी आपने जनरेशन पढ़ा, ट्रांसमिशन पढ़ा, तो उन सारे चीजों के अंदर हम लोग क्या देखते थे, जो मेन इक्विपमेंट हमारे पास है, उन मेन इक्विपमेंट के अंदर क्या आता है आपका, सबसे पहले आपका अल्टरनेटर होगा, उसके बाद ट्रांसफार्मर होगा, इसी प्रकार ट्रांसमिशन लाइन होगा, और इसी तरह अदर इक्विपमेंट से जो बहुत ज्यादा हेवी इक्विपमेंट्स है, बहुत ज्यादा आपका कॉस्टली इक्विपमेंट है, और उन्हीं सारे इक्विपमेंट पर आपका पूरा पावर सिस्टम डिपेंड करता है। यदि ये सारे इक्विपमेंट खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं, आपको पूरा पावर सिस्टम खराब हो जाएगा, यानी आपकी सप्लाई डिसकंटिन्यू हो जाएगी, सप्लाई के अंदर इंटरप्शन आ जाएगा। तो पहला बात यही लिखा गया है, एन इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम कंसिस्ट जनरेटर, ट्रांसफार्मर, बस बार, ये नाम आप पहले भी सुना होगा, बस बार, जहां से हम लोग नंबर ऑफ इनकमिंग को और नंबर ऑफ आउटगोइंग को कनेक्ट करते हैं, यानी आपका ट्रांसफार्मर बहुत सारा कनेक्ट किया जा सकता है, अल्टरनेटर कनेक्ट किया जा सकता है, और वहां से बहुत सारे आउटपुट को लिया जा सकता है। तो आपका कंसिस्ट जनरेटर, ट्रांसफार्मर, बस बार, ट्रांसमिशन लाइन, ETC सब आपका पावर सिस्टम के अंदर है। आगे क्या कहा गया, आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अंडर नॉर्मल एंड अबनॉर्मल कंडीशन। अब यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है आपको, एक तो नॉर्मल कंडीशन है, इसका मतलब सारी चीज स्मूथ, आपको जो दिख रहा है ये सारी चीज हम लोग यूज करें सप्लाई, ये सारी नॉर्मल चीजें हैं, यानी नॉर्मल सप्लाई आपके पास आ रही है और जनरली आप यूज कर रहे हैं। लेकिन एबनॉर्मल कंडीशन का मतलब क्या हुआ, जहां पर आपकी सडनली क्या हो जाए, सप्लाई या आपके पास जो करंट है, वोल्टेज है, पावर है, वो रेटेड वैल्यू से बहुत ज्यादा बढ़ जाए, यानी एबनॉर्मल कंडीशन कुछ भी हो सकता है, जिसको हम लोग नॉर्मली फॉल्ट कहते हैं, एबनॉर्मल कंडीशन। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 Hz होती है, सडनली बढ़ गई, करंट की वोल्टेज आपने 50 A रेटेड रखा था, ट्रांसमिशन के अंदर 500 A हो गया। तो इसी तरह कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज जो आपको पहले से विश्वास नहीं था कि ये होगा, और सडनली कोई चीज हैपन हो जाए ट्रांसमिशन लाइन के अंदर, पावर सिस्टम के अंदर, तो उस स्थिति को हम क्या कहेंगे, एबनॉर्मल कंडीशन कहेंगे। तो दोनों चीज आपको देख के चलना होगा, ऐसा नहीं कि सिर्फ नॉर्मल, नॉर्मल भी देखना है और एबनॉर्मल कंडीशन भी, दोनों को साथ करना। जैसे आपका नॉर्मल इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली सारा चीज हो रहा है, इसी तरह एबनॉर्मल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एबनॉर्मल कंडीशन थोड़ी देर के लिए होगा, लेकिन आप उसको अगर कंसिडर नहीं करेंगे तो ये क्या कर देगा, आपके पूरे पावर सिस्टम को डैमेज कर देगा, पूरे आपके जो इक्विपमेंट्स लगा हुआ है, जिस इक्विपमेंट्स की बात अभी हमने किया, यानी अल्टरनेटर, ट्रांसफार्मर, बस बार, ट्रांसमिशन लाइन, ये सब आपका डैमेज हो जाएगा यदि आप एबनॉर्मल कंडीशन को कंसिडर नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम लोग क्या बात कर रहे हैं,
आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अंडर नॉर्मल एंड अबनॉर्मल कंडीशन, यानी जो पावर सिस्टम है पूरा आपका इक्विपमेंट है ये नॉर्मल कंडीशन में भी वर्क करना चाहिए और साथ ही साथ एबनॉर्मल कंडीशन में भी वर्क करना चाहिए, यानी एबनॉर्मल कंडीशन को सहने की क्षमता इसके अंदर, कैपेबिलिटी इसके अंदर होना चाहिए पावर सिस्टम के अंदर। यदि एबनॉर्मल कंडीशन सहने का क्षमता नहीं है तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और आपका पूरा पावर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, ठीक है। तो आर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट अंडर नॉर्मल एंड अबनॉर्मल कंडीशन। नेक्स्ट पॉइंट, अब यहां से और इंपॉर्टेंट चीज आप समझिए, इन केस ऑफ एनी एबनॉर्मल कंडीशन, फिर से बात आ गया, इन केस ऑफ एनी एबनॉर्मल कंडीशन सच एज, क्या क्या हो सकता है, एज ओवर वोल्टेज, ओवर करेंट, कॉज टू डैमेज द इक्विपमेंट, यानी आपका एबनॉर्मल कंडीशन जिसकी अभी हमने बात किया, सडनली वोल्टेज बढ़ जाए, करेंट बढ़ जाए, इसी तरह और एबनॉर्मल चीजें हैपन हो जाए तो आपका सारा इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, ड्यू टू विच रिलायबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम डिक्रीजेस, यानी ये सिस्टम यदि डैमेज हो गया, इसके अंदर कोई फॉल्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गया तो पूरा पावर सिस्टम क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, यानी कि आपके पूरी सप्लाई, पावर सिस्टम का मतलब कोई एक गांव विलेज कनेक्ट नहीं है, पूरा पूरा एरिया कनेक्ट है, शहर कनेक्ट होता है, पूरा पूरा आपका स्टेट कनेक्ट होता है, तो पूरा आपका क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा और ब्लैक होल कहते हैं, यानी पूरी जगह सप्लाई कट जाएगी और बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि टोटल हम लोग क्या कर रहे हैं, आजकल इलेक्ट्रिसिटी पर डिपेंडेंट है, यदि इलेक्ट्रिसिटी आपकी बंद हो जाती है तो ओवरऑल बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर सेक्शन हो, एजुकेशन सेक्टर के अंदर हो, या सेफ्टी आपका हो, या आपका और कोई पर्पस के लिए, हर जगह पर हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअस चाहिए ताकि हम क्या कर सकें, आपका सारा काम प्रॉपर हो सके। तो क्या लिखा है, ड्यू टू विच रिलायबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम डिक्रीजेस, यदि पावर सिस्टम के अंदर कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो जाता है जिसकी वजह से डैमेज हो जाए, हमारे पास इक्विपमेंट फेलवर हो जाए, तो पूरा पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी खराब हो जाएगी। तो ओवरऑल शॉर्ट में आप इतना कह सकते हैं कि रिलायबिलिटी को, यानी नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिव सिस्टम का मतलब क्या है, एक लाइन के अंदर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे, टू इंक्रीज द रिलायबिलिटी ऑफ पावर सिस्टम, यानी पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमको प्रोटेक्टिव सिस्टम की आवश्यकता होती है। रिलायबिलिटी कहने का मतलब इसके अंदर विश्वास आपका बढ़ जाए, कंटिन्यूअस सप्लाई आपको मिलती रहे और आप इस पर भरोसा कर सकें, ट्रस्ट कर सकें, विश्वास कर सकें, तो उसके लिए क्या चाहिए, प्रोटेक्शन सिस्टम चाहिए, और प्रोटेक्शन सिस्टम होगा तो ही कंटिन्यूअस सप्लाई हो पाएगी। अगर प्रोटेक्शन सिस्टम आप प्रोवाइड नहीं करते हैं तो यदि एबनॉर्मल कंडीशन होगा तो आपका सिस्टम फेलवर होगा और सप्लाई आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी और आपका रिलायबिलिटी आपको नहीं मिल पाएगी। तो एक लाइन के अंदर आप कह सकते हैं कि पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए हम लोग को प्रोटेक्टिव सिस्टम की जरूरत होती है, ठीक है। इसके अलावा एबनॉर्मल कंडीशन और भी बहुत सारा हो सकता है, जैसे आपका ओवर करेंट, ओवर वोल्टेज की सिर्फ बात हमने किया, लेकिन इसके अलावा बहुत सारा एबनॉर्मल कंडीशन है, सपोज आपकी फ्रीक्वेंसी सडनली बढ़ जाए तो भी क्या होगा, इक्विपमेंट फेलोर हो जाएगा, या आपका जो इक्विपमेंट उसके अंदर टेम्परेचर की वैल्यू बहुत बढ़ जा रही है, तो इसी तरह बहुत सारा कॉज हो सकता है, कारण हो सकता है जो एबनॉर्मल कंडीशन कहलाएगा, यानी नॉर्मल जिसके लिए हम लोग पहले से डिजाइन किए हुए हैं, करंट है, वोल्टेज है, टेम्परेचर है, लॉसेस है, ये सारा चीज पहले से डिजाइन है। इसके अलावा यदि कुछ हमारे पास अनएक्सपेक्टेड होता है तो वो सारा एबनॉर्मल कंडीशन होगा और इन सारे एबनॉर्मल कंडीशन से आपका इक्विपमेंट डैमेज हो सकता है और यदि डैमेज होगा इक्विपमेंट तो आपकी रिलायबिलिटी इफेक्टेड होगी, रिलायबिलिटी घट जाएगी। तो रिलायबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए, पावर सिस्टम के लिए जरूरी है कि आपको प्रोटेक्टिव सिस्टम प्रोवाइड किया जाए, यानी स्विच गियर इक्विपमेंट आपको प्रोवाइड किया जाए ताकि आपकी रिलायबिलिटी बनी रहे, कंटिन्यूअस सप्लाई बना रहे और जो आपका इक्विपमेंट है जो कि बहुत कॉस्टली है, ठीक है। एक तो रिलायबिलिटी का मतलब कंटिन्यूअस सप्लाई, तो इसमें तो सिर्फ अपना फायदा हम लोग देख रहे हैं, यानी सप्लाई आती रहेगी, सारा बल्ब पंखा चलता रहेगा, आराम से हम लोग सोते रहेंगे, लेकिन मेन प्रॉब्लम आपका कहां पर हो जाएगा, पावर सिस्टम के लिए होगा, यानी कि अगर आपके पास थोड़ी देर के लिए सप्लाई कट जाती है तो उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मान के चलिए फॉल्ट हो गया, कोई प्रॉब्लम, फॉल्ट का मतलब अब पावर सिस्टम के अंदर याद रख लेगा, फॉल्ट का मतलब हम लोग जनरली क्या समझेंगे, आपका ओवर करेंट, या आप बोल सकते हैं शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ये दूसरे जो फॉल्ट होते हैं
फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, टेम्परेचर बढ़ जाना, ये उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता, उतना ज्यादा हमारे पावर सिस्टम को डैमेज नहीं करेंगे। लेकिन यदि सिस्टम के अंदर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, जो कि लास्ट लेक्चर में हमको आपको हिंट दिया था, शॉर्ट सर्किट मतलब सडनली करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, तो ये सिस्टम के लिए बहुत डैमेज हो जाएगा। और यदि शॉर्ट सर्किट होता है और इससे हम लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो आपका सारा ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर डैमेज हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, और सिर्फ थोड़ी देर की सप्लाई कट नहीं होगी, बल्कि आपका सप्लाई, आप कह सकते हैं जो पूरा सिस्टम था, पूरा इक्विपमेंट था, वो फुल्ली तौर से डैमेज हो जाएगा, और एक दो रुपया का लॉस नहीं बल्कि करोड़ों का लॉस आपका हो जाएगा, यदि आप प्रोटेक्शन सिस्टम प्रोवाइड नहीं करते हैं तो। तो कुल मिलाकर आपका प्रोटेक्शन सिस्टम यानी स्विच गियर सिस्टम, स्विच गियर इक्विपमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा आवश्यक है पावर सिस्टम के लिए, रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए भी, और साथ ही साथ हमारा अल्टरनेटर ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए, उसके जीवन को बचाए रखने के लिए भी आवश्यक है, जरूरी है। तो ये चीजें आपको समझ में आ रही होगी, और भी कुछ पॉइंट्स नोट्स में आपको मिल जाएगा। तो ये यहाँ तक आपको नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्शन सिस्टम से रिलेटेड बात हुआ। अब थोड़ा सा आगे समझते हैं हम लोग रिक्वायरमेंट ऑफ स्विचगियर सिस्टम। अब इसको एग्जांपल से समझ लिए, यहाँ पर एक चीज हम लोग सिर्फ हेडिंग आप देखिए क्या लिखा गया है, रिक्वायरमेंट ऑफ स्विच गियर। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे स्विच गियर के होने से हमारा पावर सिस्टम के अंदर क्या फायदा होगा, या पावर सिस्टम के अंदर आपका स्विच गियर इक्विपमेंट की क्या आवश्यकता है, क्यों जरूरी है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है यानी स्विच गियर इक्विपमेंट है, और स्विच गियर का मतलब क्या है, जनरली आप सिर्फ किसकी बात करेंगे, आप सर्किट ब्रेकर की बात करेंगे, आप रिले की बात करेंगे, आप फ्यूज की बात करेंगे, आइसोलेटर की बात करेंगे, तो ये सारा आपका क्या है, आपका प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो उसके लिए क्या जरूरी है, वो कैसा होना चाहिए और वो किस तरह से काम करेगा, तो उसके लिए हेडिंग बनाया गया रिक्वायरमेंट ऑफ स्विच गियर, यानी स्विच गियर के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, या आप कह सकते हैं स्विच गियर इक्विपमेंट के अंदर क्या 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 उसके अंदर फैसिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर विशेषता होनी चाहिए, ठीक है। तो स्विच गियर इक्विपमेंट कैसा हो, उसके अंदर क्या क्या खासियत हो, क्या क्या विशेषता हो, उसके लिए डिफरेंट पॉइंट हमने लिखा है। तो स्विच गियर तो आपका इतना बड़ा रोल निभा रहा है कि पूरे पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन उसके खुद के अंदर कितनी एबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या खासियत विशेषता होना चाहिए, वो सारी बात हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो पहला चीज क्या होना चाहिए विशेषता, उसके अंदर रिलायबिलिटी होनी चाहिए। रिलायबिलिटी किसकी बात हो रही है, स्विच गियर इक्विपमेंट। इसको आसानी से आप एग्जांपल से समझिए, जब हम लिख रहे थे बोर्ड पर तो ध्यान में हमको एक एग्जांपल आया है। इसकी एग्जांपल क्या है कि आप मान के चलिए कि किसी मॉल के या बड़े प्रॉपर्टी के आप मालिक हैं नहीं है तब भी मान लीजिए, हम तो नहीं है, लेकिन सोच लीजिए अपने से कि हाँ हमारे पास बहुत बड़ा बंगला है और गाड़ी है, कार है, सब है, और उसके लिए आप लोग क्या रखा है, एक सिक्योरिटी गार्ड रखा, चौकीदार रखा आपने, ठीक है। तो उस चौकीदार की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, उसी की हम लोग बात करें। तो बहुत आसानी से आप दिमाग में बैठा लीजिए कि हम लोग सिक्योरिटी जो गार्ड है, उस सिक्योरिटी गार्ड को यदि आप रखते हैं अपने प्रॉपर्टी के हिफाजत के लिए, प्रॉपर्टी के रक्षा के लिए, तो उस गार्ड के अंदर क्या क्या खासियत होनी चाहिए, बस वही चीज यहाँ पर स्विच गियर इक्विपमेंट के अंदर भी वही चीज होना चाहिए, यदि वो पावर सिस्टम का प्रोटेक्शन कर रहा है तो, ठीक है। तो यदि हम लोग अपने घर के अंदर किसी को सेफ्टी के लिए रखे हुए हैं, किसी को अपने यहाँ बचाव के लिए रखे हुए हैं, तो उसके अंदर क्या क्या खूबी होनी चाहिए, तो फर्स्ट चीज क्या है, रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब विश्वास होना चाहिए उस पर, ट्रस्ट होना चाहिए कि जो गार्ड है वो प्रॉपर आपको टाइम देगा, ऐसा नहीं है कि कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, ये कोई चोर आ गया तो उस टाइम वो प्रेजेंट नहीं है, तो हम कहेंगे कि इसके अंदर रिलायबिलिटी नहीं है। तो रिलायबिलिटी का मतलब 24/7 उसका वर्क होगा और हर टाइम वो चौकन्ना रहेगा ताकि कोई भी आपका प्रॉपर्टी का लॉस नहीं हो। तो वही बात स्विच गियर के केस में समझिए, रिलायबिलिटी क्या लिखा गया, रिलायबिलिटी मीन्स द स्विच गियर मस्ट रेडी टू परफॉर्म इट्स ऑपरेशन ऑल टाइम अंडर ऑल फॉल्ट, ठीक है, परफॉर्म इट्स ऑपरेशन ऑल टाइम अंडर ऑल फॉल्ट, यानी जितने भी प्रकार का फॉल्ट हो और जिस समय भी हो, हर टाइम वो क्या रहे, स्विच गियर प्रोटेक्शन सिस्टम जो है यानी आपका सर्किट ब्रेकर रिले, ये रेडी रहे, ऐसा नहीं कि बेचारा फॉल्ट हो गया, करंट की वैल्यू सडनली बढ़ गई और आपका प्रोटेक्टिव सिस्टम अभी क्या था, रेस्ट में था, वो बेचारा उसको पता ही नहीं चला और करंट की वैल्यू सडनली क्या हो गई, बढ़ गई, या उसको सेंस नहीं कर पाया फॉल्ट को और हमारे पास पावर सिस्टम को उड़ा दिया।
तो इस तरह की कोई बात नहीं होनी चाहिए। यानी जो प्रोटेक्टिव सिस्टम है जिसके लिए डिजाइन किया हमने, यानी 500 एम्पियर है या 50 एम्पियर, जो भी उसकी डिजाइन वैल्यू है, उस वैल्यू के लिए उसको काम करना है हर टाइम, हर समय, हर तरह के फॉल्ट के लिए, तो हम कहेंगे कि हमारा प्रोटेक्टिव सिस्टम क्या है, विश्वसनीय है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, हर प्रकार के फॉल्ट को रोकने के लिए तैयार है और हर समय तैयार है। तो पहला खासियत, पहली विशेषता क्या होना चाहिए सर्किट ब्रेकर और रिले के अंदर, कि उस पर हम ट्रस्ट कर सकें, भरोसा कर सकें, चाहे जिस भी प्रकार का फॉल्ट हो या जिस समय भी फॉल्ट है, वो हर टाइम चौकन्ना रहे, तैयार रहे और फॉल्ट का सामना करने के लिए रेडी रहे। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, यानी कि आपका जो स्विच गियर इक्विपमेंट है, इट शुड मस्ट बी क्या है, रिलायबल, यानी रिलायबल होना चाहिए। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी समझ में आ रहा होगा, कोई आपका यानी कि कोई गार्ड रखे हुए सिक्योरिटी, तो हर टाइम चौकन्ना रहे, ऐसा नहीं कि चोर आए सामान लेके चला जाए और बोले वो क्या कि हम किसी काम से चले गए थे चाय पीने और सामान लेके चला गया, तो उस तरह का हम लोग को गार्ड नहीं चाहिए। तो किस तरह का, कि हर टाइम चौकन्ना रहे। दूसरा क्या है आपका सेंसिटिविटी, ये सेंसिटिविटी में क्या है, यानी कि किस तरह से आपका क्या पॉइंट लिखा है पहले देख लीजिए, एबिलिटी टू सेंस मिनिमम टू मिनिमम फॉल्ट, इसका मतलब पहले चौकन्ना की बात हो रही थी और दूसरा बात क्या हुआ, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस आप समझिएगा, द एबिलिटी टू सेंस मिनिमम टू मिनिमम फॉल्ट, यानी छोटा से छोटा फॉल्ट भी, यानी 5 एम्पियर अगर उसकी रेटिंग थी, 5 एम्पियर नॉर्मल करंट था, 5 से 5.1 एम्पियर भी चला गया, 5.2 एम्पियर भी चला गया, तो वो उसको सेंस कर ले। ऐसा नहीं हो कि बेचारा सर्किट ब्रेकर या रिले को पता ही नहीं चला, थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है तो उसको माइनस कर ले। यानी कोई अगर सिक्योरिटी गार्ड है तो थोड़ा बहुत आपका एक आध चम्मच चोरी हो जा रहा तो चलो भाई कोई बात नहीं, नहीं इस तरह की बात नहीं चलेगी। सिक्योरिटी है तो इसका मतलब फुल सेंसिटिविटी होना चाहिए कि यदि एक टू सामान, छोटा से छोटा सामान भी आपका क्या हो जाए, गायब हो जाए, तो उसको सेंस कर ले, उसको मालूम कर ले। तो इसी प्रकार फॉल्ट के केस में आपका जो रिले है वो छोटे से छोटे करंट के यदि थोड़ा से भी नॉर्मल से हट गया, 50 एम्पियर उसकी रेटिंग नॉर्मल वैल्यू थी ट्रांसमिशन लाइन की, 50 एम्पियर से 50.2 हो जाता है, 50.1 हो जाता है, ये हमारे पास और बढ़ जाता है, तो यही छोटा छोटा हमारे पास करंट हो वो उसको सेंस कर ले, पता कर ले कि हाँ थोड़ा सा हमारे पास फ्लक्चुएट हो गया है, बढ़ गया या घट गया है, वो उसको सेंस कर ले। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इसके अंदर सेंसिटिविटी होनी चाहिए, यानी इसको सेंस करने की क्षमता हो, चाहे करंट या वोल्टेज या फ्रीक्वेंसी के अंदर कितना छोटा से छोटा चेंजेस क्यों ना हो, चाहे बढ़े घटे जो भी हो, वो उसको सेंस कर ले। द सेंसिटिविटी ऑफ स्विच गियर मस्ट बी हाई, यानी अधिक होना चाहिए, थोड़ा से भी चेंजेस हो तो फौरन उसको सेंस कर ले, एकदम अलर्ट रहना चाहिए हमारा स्विच गियर इक्विपमेंट। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। तीसरा प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, सेलेक्टिविटी, थोड़ा सा अंतर इसमें समझिए। सेलेक्टिविटी का मतलब क्या हो गया, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए स्विच गियर टू सेलेक्ट दैट पार्ट, ये थोड़ा सा समझिएगा, इंग्लिश थोड़ा सा लिखा हुआ टफ, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए स्विच गियर टू सेलेक्ट दैट पार्ट ऑफ पावर सिस्टम विच इज इन ट्रबल क्विक ऑपरेशन। समझाते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है, ये सेलेक्टिविटी का मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो हमारे पास इक्विपमेंट होगा इसके अंदर क्विक ऑपरेशन की क्षमता होनी चाहिए। यदि मान के चलिए क्या लिखा गया, सेलेक्ट दैट पार्ट ऑफ पावर सिस्टम विच इज इन ट्रबल क्विक ऑपरेशन, मान के चलिए हमारे पास आपने गार्ड रखा सिक्योरिटी गार्ड, तो आपने उसको परमिशन दे दिया कि चलो कोई आपके दरवाजे में से सामने से फूल चोरी कर लिया या इस तरह का छोटा मोटा चीज चोरी कर ले तो कोई बात नहीं, सेंस इसको कर लेना, लेकिन कोई एक्शन नहीं लेना। लेकिन आपने गार्ड को रखा कि यदि आप हमने तिजोरी है और तिजोरी में से यदि कोई सामान लेके चला जा रहा है, सोना का हार हमने रखा हुआ है, और आपने उसको परमिशन दे दिया कि यदि कोई हार लेके चला गया तो हमने जो गन दिया है तुमको प्रोटेक्शन के लिए उसका यूज कर लेना है, गोली चला देना है, ठीक है। तो अब इसके बाद गार्ड का ये क्या है, सिक्योरिटी गार्ड का ये ऑथराइज्ड हो जाता है, यानी उसको अब यहाँ पर चूकना नहीं है, तो चलो छोटा मोटा चीज इधर उधर हो कोई बात नहीं, यदि सोने का हार गायब हो जाता है तो उसको मालिक ने परमिशन दे दिया कि उसको एक्शन लेना है, यदि वो एक्शन नहीं लेता है तो कहा जाएगा कि इसकी सेलेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो सेलेक्टिविटी का मतलब कि जो आपका कट पॉइंट है, यानी उसके बाद आपको एक्शन ले लेना, उसके बाद कोई रोकथाम या कोई मर्सी या कोई सोच विचार करने का आपके पास समय नहीं है, आपको वहां पर एक्शन ले लेना है
और एक्शन यदि आपने ले लिया तो कहा जाए कि आपकी सेलेक्टिविटी अच्छी है, और एक्शन नहीं लिया उसके बाद भी थोड़ा सा चलो हारी तो चोरी हो रहा कोई बात नहीं और बाकी सब चीज को हम प्रोटेक्ट करेंगे तो कहा जाएगा आपकी सेलेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो सेलेक्टिविटी का मतलब जो लास्ट एंड है वहां पर आपको एक्शन लेना है, पहले से डिजाइन कर दिया गया, पहले से इंस्ट्रक्शन दे दिया गया, उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार आपको एक्शन ले लेना है। यदि आप एक्शन ले लेते हैं कहा जाए कि आपकी सेलेक्टिविटी अच्छी है, यदि एक्शन नहीं लेते हैं तो सेलेक्टिविटी अच्छी नहीं है। पावर सिस्टम के टर्म में मतलब कि चलिए 50 एम्पीयर रेटेड वैल्यू था ट्रांसमिशन लाइन का, 50 से 1.50.1 हुआ 5 हुआ तो उतना बहुत मैनेज करना, यानी सिस्टम रिले तो सेंस कर लेगा लेकिन ऑपरेट नहीं कराएगा क्योंकि थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन हो सकता है। लेकिन अगर मान के चलिए 50 के ऊपर आपने 60 एम्पीयर उसको डिजाइन कर दिया, यानी एक सिग्नल आपने प्रोवाइड कर दिया, एक पहले से डाटा दे दिया कि 60 एम्पीयर यदि चला जाए ट्रांसमिशन लाइन में तो इसको ओवर करंट माना जाएगा, और ओवर करंट जैसा हो कि आपको सर्किट को यानी सर्किट ब्रेकर को इंस्ट्रक्शन देके उसको ट्रिप करा देना है। तो यदि 50 एम्पीयर से 50 हुआ 55 हुआ कोई बात नहीं, लेकिन 60 एम्पीयर को सर्किट यानी रिले को सेंस करके क्या करना है, वहां पर सर्किट ब्रेकर को इंस्ट्रक्शन दे देना है और उसके अनुसार सर्किट ब्रेकर काम कर जाएगा। तो आप कहा जाएगा कि आपका जो रिले था सर्किट ब्रेकर था इसकी सेलेक्टिविटी अच्छी थी। यदि 60 एम्पीयर के बाद 62 एम्पीयर हो जाएगा तो कहेंगे इसकी सेलेक्टिविटी अच्छी नहीं। और असल में बुद्धि खोल के समझते चलिए, आप नेक्स्ट समझिए कि नेक्स्ट पॉइंट क्या है। प्रोविजन बहुत आसान, नेक्स्ट पॉइंट अब प्रोविजन फॉर मैनुअल ऑपरेशन। दो पॉइंट बहुत आसान है। प्रोविजन फॉर मैनुअल ऑपरेशन का मतलब इसको समझ लीजिए, कोई बाइक आपने खरीदा, कोई आप मोटरसाइकिल चला रहे हैं तो उस मोटरसाइकिल के अंदर क्या रखते हैं, आप लोग देखा होगा सेल्फ वाला सिस्टम, यानी जब थोड़ा बटन दबाइए गाड़ी चालू हो जाएगा। लेकिन उसमें सेकंड ऑप्शन क्या रहेगा, कितना महंगा गाड़ी रहता है तो क्या दे देता है, किक भी उसमें दे देता है। तो किक देने से क्या फायदा है कि यदि मान के चलिए बैटरी खराब हो गया या जाड़ा के दिन है स्टार्ट नहीं हो रहा सेल्फ से, बैटरी फुल्ली डिस्चार्ज हो गया डीप डिस्चार्ज, तो आप क्या कर सकते हैं किक मार के पैर से मारिए और कि गाड़ी स्टार्ट कर लेगा। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या, मैनुअल ऑप्शन है। यदि आपका इलेक्ट्रिक यानी बैटरी वाला काम नहीं कर रहा है, सेल्फ काम नहीं कर रहा है, तो दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास, पैर से किक मार के आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपका सेकंड ऑप्शन भी होना चाहिए, यानी कि आप मैनुअली उसको ऑपरेट करा सकें। और कुछ गाड़ी जो बहुत ज्यादा मॉडर्न है तो उसके अंदर नहीं दिया जाता है, तो उसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है कि यदि इनकेस मान के चलिए खराब हो जाएगा तो बीच रोड पर आप क्या कर जाएंगे, बीच रास्ता में फंस जाएंगे। तो यदि दोनों ऑप्शन है तो आपका सेल्फ काम कर रहा बहुत अच्छा है, नहीं कर रहा तो आप किक मार के गाड़ी स्टार्ट कर लीजिएगा। तो वही मतलब हुआ प्रोविजन फॉर मैनुअल ऑपरेशन। यदि आपके पास रिले सर्किट ब्रेकर आपको किसी और पर्पज से यानी नॉर्मल कंडीशन या नॉर्मल में नहीं काम किया तो आप क्या कर सकते हैं, उसको मैनुअली भी ऑपरेट करा सकते हैं। इस तरह का प्रोविजन रहना चाहिए, देयर मस्ट बी प्रोविजन फॉर मैनुअल ऑपरेशन ऑफ स्विच गियर, यानी स्विच गियर आप क्या कर सके मैनुअली भी हाथ से हैंडल से या बटन से किसी तरह भी ऑपरेट कर सके, इस तरह का प्रोविजन होना चाहिए। तो ऑटोमेटिक तो कंपलसरी है, यानी फॉल्ट के कंडीशन में ऑटोमेटिक होना चाहिए। यदि मान के चलिए आपका नहीं हो पा रहा है या ऑटोमेटिक है, उसके साथ साथ मैनुअल भी प्रोविजन रहना चाहिए ताकि हम मैनुअली भी ऑपरेट करा सकते हैं जब चाहे आवश्यकता समय है। तीसरा सिंपलिसिटी, इसका मतलब क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो ताकि आपका मेंटेनेंस करने में या आपका और कोई काम करने में ऑपरेट करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो। तो इस तरह का जो भी स्विच गियर है सर्किट ब्रेकर के उसका कंस्ट्रक्शन उसका संरचना बनावट क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए ताकि मेंटेनेंस करने में या और कोई वर्क करने में हमको आसानी हो, समझने में ऑपरेट कराने में आसानी। तो बहुत आसान आसान चीज है, इसी तरह और भी बहुत आसान चीज हम लोग आगे भी समझते चलेंगे। और स्विच गियर प्रोटेक्शन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम लोग मेनली तौर से सर्किट ब्रेकर रिले और फ्यूज और डिफरेंट जो इक्विपमेंट है बस बार और आपका अल्टरनेटर, इस सबको किस तरह से प्रोटेक्ट करना है, ये सारी बहुत आसानी से हम लोग समझते चलेंगे। आपको पूरी चीज एक एक चीज समझ में आएगी। कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं, चाहे डायरेक्ट व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं, लाइव क्लास के माध्यम से पूछ सकते हैं, आपका ऐप के अंदर चैट करके पूछ सकते हैं। तो डॉट क्लियरेंस के लिए कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, उसके लिए एकदम निश्चिंत रहिएगा। डॉट क्लियरेंस के लिए एकदम हर टाइम रेडी हैं, कोई भी डॉट आपको कभी भी क्लियर करने के लिए आप पूछ सकते हैं, उसके लिए हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन याद रखिए जितना पढ़ा रहे हैं वो आपसे भी पूछेंगे, लाइव क्लास जब भी चलेगा तो जितना पढ़ाए आप भी डॉट क्लियर कीजिएगा, और साथ ही साथ हम जो पढ़ा रहे हैं वो भी आपसे पूछेंगे कि आप कितना बैकअप तैयार कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि लाइव क्लास या रिकॉर्डेड वीडियो के माध्यम से जा रहा है तो आप बिंदास स्वयं में कि जब मन है वह देख लेंगे। तो अगर आपका कोई डॉट है तो क्लियर करना है,
और जितना पढ़ाई हो रहा है वो आपके माइंडसेट में रहना चाहिए, क्योंकि हम भी कभी भी पूछ सकते हैं, टेलीफोनिक माध्यम से हो या और किसी माध्यम से क्वेश्चन कर सकते हैं। जितना पढ़ाएंगे उसमें से पूछने का हमको अधिकार है। यदि आपका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया तो आपको भी डांटेंगे और आपके पेरेंट्स से गार्जियन से भी बात करेंगे, इसीलिए अलर्ट रहिएगा। आप नोट्स प्रिपेयर करते चलिए, जितना पढ़ाई हो रहा है उसको अच्छे से कवर करते चलिए, और इसी तरह हम लोग नेक्स्ट अब कंटिन्यूअस हम लोग प्रयास करेंगे कि आपका क्लास चलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।